कौन समझाए पागल, गृहस्थ जीवन सबके बस का नहीं है। शादी का नॉलेज जिसे हो सी करना चाहिए, सबको शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ना शादी का नॉलेज कुछ होता नहीं, पहले शादी करेंगे। गृहस्थ जीवन का भी तो कुछ नॉलेज पढ़ो, पार्ट वन पार्ट टू लेसन वन लेसन टू कब पढ़ोगे शादी का? गृहस्थ जीवन की पढ़ाई पढ़े बिना तुम शादी कर लेते हो ना, साल दो साल में तलाक हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। भाई ड्राइवर गाड़ी स्टेयरिंग में बैठे हो तो पहले चलाना तो सीखो। हाँ, एक छोटी सी गाड़ी को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और संसार का गृहस्थ जीवन, सबसे श्रेष्ठ जीवन, सबसे बड़ी गाड़ी पर बैठने जा रहे हो तो कुछ आपको गाइड नहीं लेनी पड़ेगी, शिक्षा दीक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। जो लोग शिक्षा दीक्षा लिए बिना विवाह कर लेते हैं, वो शादी के दो साल बाद आपने देखा होगा पत्नी इस रास्ते पे जा रही है, पति इस रास्ते पे। गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा जीवन है। आजकल जिन बच्चों को, जिन लड़कियों को रोटी गोल गोल बनानी नहीं आती, वो भी शादी हो रही होने की। जिन लड़कों को एक रुपया कमाता नहीं है, बाप के पैसे से मोबाइल रिचार्ज करता है, उसके विवाह में 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। गोबर गड़े से बिल्कुल फ्री में महंगा है, पर फिर भी देखो आजकल तो दुल्हे लोग ना, दुल्हा जिसका विवाह होता वो शराब पी के जाता है। 100 में से 80 शादियों का सीजन चल रहा है। आप देख लेना मैं क्या सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं। आज 100 में से 80 दुल्हा शादी में शराब पीकर जाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपनी दुल्हन को, अपना परिवार को क्या संभालेंगे? इन्हें तो लड़की वालों को घर से निकाल देना चाहिए। चलो हमें कोई शादी नहीं करना छोरी की, तुम शराब पी के आयो, पहले अपने आप को सुधारो। आजकल ना लड़की के पिता भी, लड़की भी आवाज नहीं उठाती। बहुत सारी लड़की, एक अखबार में हमने पढ़ा एक दुल्हा शादी पी के आया तो लड़की ने कहा जाओ अब हम नहीं करेंगे तुमसे शादी, करो ही मत। शराब पीने वालों से शादी करना बंद कर दोगे तो भारत में शराब की बिक्री कम हो जाएगी। हम तो कथा में सुनाते हैं कि शराब मत पिया करो, लेकिन हमारी ये बहनें आगे आ गई ना तो सारे ठीक हो जाएंगे, सब बाबा जी बन जाएंगे, या तो हरिद्वार में भीड़ बढ़ जाएगी। और माँ बाप की भी बड़ी गलती है, शादी में तुम्हारा बेटा शराब पी के जा रहा है, जब दुल्हा बनता है ना लड़का वो नारायण होता है, और लड़की जब दुल्हन बनती है वो लक्ष्मी होती है। शादी के मंडप में कोई भी दुल्हा बैठा हो आप उसे प्रणाम कर सकते हैं, शादी के मंडप में बाप भी अपने बेटे को प्रणाम कर सकता है, क्योंकि उस समय उसका स्वरूप नारायण का होता है, भगवान का होता है, और वो भगवान के पद पर बैठा है। हम व्यास गद्दी पे बैठे हैं और हम शराब पी के बैठेंगे ना तो आप भाग जाओगे, महाराज जी शराब पी के बैठे हो। हाँ, हम यहाँ बैठ के तंबाकू खाएं आप भाग जाओगे, महाराज जी बताओ तंबाकू खा रहे हो। हम यहाँ बैठकर सिगरेट पिए तो क्या? ये व्यास गद्दी की मर्यादा हमें ही तो बचानी है, हमें ही तो संभालनी है। यदि हम व्यास गद्दी की मर्यादा को समझते हैं तो दुल्हों को भी मंडप की गद्दी की मर्यादा समझनी चाहिए। इसे पहले समझाओ कि दुल्हा होता कौन है, दुल्हन होती कौन है, होता कौन है, होती कौन है, ये जाने बिना तुमने शादी कर ली घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले सत्संग कराओ। हाँ, कोई भी नौकरी करने जाओ इंटरव्यू पहले देना पड़ता है, और शादी कर रहे हो कोई इंटरव्यू नहीं, ऐसी कर लिया। चलिए आप लोग समझदार हैं, समझिए है?